बहुत सारी चीजें हैं। और अभी हमारे साथ 7:45 के उत्तराखंड से नेशनल टीचर्स अवार्ड जिनको मिला है, ऐसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता सुधा जी जुड़ने वाली है। मैं चाहूंगा कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप जरूर हमारे साथ बने रहिए। राजन जी, आज सच कह रहे हैं, चलिए, मैं ये इनकम्प्लीट बातचीत मानता हूँ, और मुझे कतई, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी टीम ने अभी जस्ट 15 मिनट पहले मुझे ये भेजा, फिर उन्होंने कहा कि जितना हो सके सर दिखाइए, लोगों को आइडिया मिलेंगे ढेर सारे। और मैं आज की बातचीत अधूरा मानता हूँ। राजन जी, एक दिन समय लेकर आपसे मैं चाहता हूँ कि एक जो स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, जो जहां से आपने स्टार्ट किया था, वो एक प्रैक्टिस सेशन जो है हम कुछ टीचर्स के साथ रखना चाहते हैं। ऐसे कम से कम 100-150 शिक्षक रहेंगे, और जी ऐसे लोग रहेंगे जो शायद आप ही की तरह अपने विद्यालय में कुछ करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि उस दिन विस्तार से जो है एक एक गतिविधियों के बारे में हम आप शेयर करेंगे। मैम, एक बिल्कुल सवाल पूछना चाहते हैं आपसे कि स्कूल कैंपस में तो आप दोनों काम कर रहे हैं, इकट्ठे काम कर रहे हैं, स्कूल में काम कर रहे हैं, जब घर में रहते हैं तो घर में भी स्कूल ही रहता है या घर घर रहता है? नहीं सर, घर में भी स्कूल के बारे में सोचते रहते हैं। कभी बाजार जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, वहां पर भी अपना सामान नहीं लेते, वो बाद में अच्छा लेते हैं, पहले बच्चों के लिए लेते हैं। कोई स्टेशनरी लेनी हो, कोई अच्छी सी चीज हो जो बच्चों पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हो, वैसी चीज देखते रहते हैं। घर में भी ऐसा ही है सर, बच्चों के। इतना सारा काम करते रहते, इतना काम करने की आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती, कहाँ से लगता है कि नहीं करना चाहिए इतना सब? अरे मैं सर आप इसके दोनों के लिए लिए, पहले, हाँ जी सर, सर इसके लिए ऐसा है कि जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं उनका ये मान के चलो कि उनका जो भविष्य है वो हमारे पास है, हमने उनके भविष्य को बनाना है, हमारी कोशिश है, उनकी जो निगाहें हैं वो हमारे ऊपर हैं, तो वही हमारी इंस्पिरेशन है और हमारा ये फर्ज भी बनता है ये काम करना। बहुत जरूरी है। बहुत सारे शिक्षक हैं जो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में काम करते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे राजन जी? सर मैं तो एक ही बात कहता हूं कि सबसे पहले तो ये कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, अगर उनको आप कोई भी काम करते हो और वो आपको आपको रोल मॉडल मानते हैं, आपको फॉलो करते हैं वो बच्चे, लेकिन उनको अगर आप डांटते हो तो उनके दिमाग के ऊपर एक ढक्कन सा लग जाता है, उसके बाद आप जितनी मर्जी कोशिश करो उनके दिमाग में कोई बात नहीं पड़ेगी। अगर उसी बच्चे को आप गोद में बिठाकर प्यार से पढ़ाते हो तो उसकी जो लर्निंग कैपेसिटीज है वो डबल ट्रिपल हो जाती हैं। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, ये परमानेंट असर पड़ता है बच्चे की साइकोलॉजी के ऊपर। हम कोई भी काम ऐसा करते हैं तो उनको डर नहीं होना चाहिए, बच्चों को उनको फ्रेंडली माहौल चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि टीचर को जो उसके पास बच्चे पढ़ते हैं हर एक बच्चे के घर में विजिट करना चाहिए, उनके कंडीशंस को देखना चाहिए, तभी वो बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकेगा। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि हर बच्चे की जो चाहता है बच्चा, हर बच्चा चाहता है कि उसकी डिमांड होती है, उसकी जो लर्निंग की टीचिंग टेक्निक्स वो चाहता है वो हर बच्चे के लिए अलग होती है, उसको ज्यादा टाइम चाहिए होता है। तो टीचर इतना एफिशिएंट होना चाहिए, उसको इतनी कोशिश करनी चाहिए कि वो हर बच्चे के लिए उसकी साइकोलॉजी के, उसकी रुचि के अकॉर्डिंग टीचिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट करे। और जो आगे जो है वो ऐसा है कि हम चाहे किसी भी काम में हैं, किसी भी जॉब में हैं, कोई भी ड्यूटी करते हैं, वो हमें पूरी ईमानदारी से और मन से निभानी चाहिए, ये हमारा फर्ज बनता है क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी है। आखिरी में यही पूछना चाहते हैं कि आज की बातचीत कैसे लगी? मैं फिर से वो बता रहा हूँ जो भी हमारे साथ व्यूवर्स हैं और आप दोनों से भी, कि आज की बातचीत कंप्लीट नहीं है, आज की बातचीत की शुरुआत मैं मानता हूँ। और आज तो था कि नेशनल टीचर अवार्ड जिन्हें मिला है उनको हम उनको सुने, उनसे जाने। राजन जी, मन नहीं भरा है, सुधा जी को समय दे रखा है, इसलिए उनसे बात करना जरूरी है। आखिरी में कुछ चीजें कैसी लगी आपको बातचीत, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी लगी सर, और ये होना चाहिए क्योंकि हमने एक दूसरे से ही सीखना है, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से ही सीखना है, उनको शेयर करना है।
और हम भी बहुत कुछ सीखते हैं औरों से, हमें कभी कोई शर्म नहीं आती इस बात से कि हम दूसरे से क्यों सीखें। लेकिन ये बहुत बढ़िया प्रोसेस होता है, इससे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, और हमने एक ओनली स्टेट में नहीं सारे इंडिया में एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, इसकी हमें बहुत जरूरत है। और ये बातचीत होना बहुत अच्छी बात है, और आगे भी आप जिनसे बात करेंगे हम उनके एक्सपीरियंसेस को भी सुनेंगे, और उनको जो उनमें अच्छा लगेगा हम उसको अडॉप्ट करेंगे। मैम बहुत आपको बहुत कैसी लगी शुक्रिया बातचीत? सर, बहुत अच्छी लगी। ये तो आपका जो है ना सर रुझान बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच। और हमें पता भी नहीं चला 45 मिनट निकल गए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और हम फिर मिलेंगे आपके साथ। और जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि ठीक 2 मिनट के बाद हम सुधा जी से जुड़ने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। सुधा जी एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल के साथ ट्राइबल बच्चों के लिए काम कर रही है, समर्पित है, और पहली शिक्षिका है जो आवासीय क्लब आवासीय विद्यालय की शिक्षिका जिन्हें ये राष्ट्रीय सम्मान मिला। जरूर सुनिए, जरूर सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी, हरिंद जी, हमें बहुत अच्छा शुक्रिया। लगा। फरीदकोट के उस विद्यालय को नमन है, वहाँ के ग्रामीणों का नमन है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के बच्चे, वहाँ के सोसाइटी में बस सबको सैल्यूट है। और आपके स्कूल पे हमें प्राउड फील होता है। हम खूब चाहेंगे कि इसके बारे में और चर्चा हो आगे, और फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू। Oh, 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 oh